दोस्तों नमस्कार। खबर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, जहां बाबा रामदेव के बयान पर महिलाओं का फूटा गुस्सा। कहा राम रहीम और आशा राम की तरह रामदेव को भी भेजो जेल। एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कहा था कि महिलाएं उन्हें साड़ी सूट में अच्छी लगती हैं, अगर उनके जैसे कपड़े ना भी पहने तो भी अच्छी लगेंगी। बाबा रामदेव का ये बयान नागवार गुजरा। महिलाओं ने किया पुतला दहन और सौंपा ज्ञापन। महाराष्ट्र में बाबा रामदेव के द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद हिंदुस्तान की महिलाओं में गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। महिलाओं का गुस्सा इस कदर बिखर पड़ा है कि महिलाएं रामदेव के बयान के बाद घरों से निकलकर अलीगढ़ की सड़कों पर उतर आई हैं। अलीगढ़ की सड़कों पर उतरकर बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं समता सैनिक दल की महिलाओं। का आरोप है कि बाबा रामदेव के द्वारा महाराष्ट्र के मंच पर बैठी महिलाओं के सामने ही महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। महिलाओं ने बताया कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया रामदेव ने। कहा कि उन्हें साड़ी और सूट में अच्छी लगती हैं और अगर उनके जैसे कपड़े भी न पहने तो भी बाबा रामदेव को महिलाएं अच्छी लगती हैं। बाबा रामदेव के द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए इस विवादित बयान के बाद महिलाओं के द्वारा बाबा रामदेव का पुतला दहन किया गया। महिलाओं का कहना है कि मंच पर बैठी महिलाओं को उसी समय बाबा रामदेव के मुँह पर जूते चप्पल चला देने चाहिए थे, जब महिलाओं के खिलाफ रामदेव के द्वारा कपड़े पहनने को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर दर्जनों महिलाओं ने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि बाबा राम रहीम और बाबा आसाराम बापू की तरह से ही बाबा रामदेव के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। आइए जानें आक्रोशित महिलाओं ने क्या कुछ कहा। जो बड़ी बड़ी दवा कंपनी भी बनाता है तो उसका पुतला दहन करा है कहीं पे। इधर महाराष्ट्र में कोई सभा हुई थी, उस सभा में वहाँ महिला भी बैठी हुई थी और मंच पे भी बैठी हुई थी। पहले तो मैं उन महिला को भी कहूँगी कि महिला वो बर्दाश्त कर रही थी, जब भी जूता मार देना चाहिए था। बाबा रामदेव ने ये बयान दिया कि महिला साड़ी में भी अच्छी लगती है, महिला सूट में भी अच्छी लगती है, अगर महिला मेरे जैसे अगर कपड़े भी ना पहने तब भी अच्छी लगती है। तो आप से मैं मतलब जो मोदी योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है और हमारी राष्ट्रपति महोदय महिला है, तो राष्ट्रपति महोदय का भी हमारी का मान है इसमें। तो मैं ये मांग करती हूँ कि मोदी योगी जी एक तरफ तो कहते हैं कि महिला के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, लेकिन जैसे वो बाबा रहीम है और रामदेव बाबा आसाराम बापू हैं वो जेल के अंदर है, ऐसी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। महिला का एक जाति का अपमान नहीं हुआ, इसमें हर जाति धर्म की महिला का अपमान हुआ। क्या नाम है आपका और किस तरह का प्रदर्शन किया गया है, किसके लिए? मैं सुमन गौतम, प्रदेश कमांडर उत्तर प्रदेश। क्या समस्या है आपके, क्यों पुतला फूटा गया है? देखिए दो तीन दिन पहले बाबा रामदेव के उन्होंने महाराष्ट्र में मुंबई में हजारों की संख्या में सभा उड़ी थी, वहाँ पर महिलाओं के लिए एक अभद्र टिप्पणी करी। इसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं साड़ी में भी अच्छी लगती हैं, सूट में भी अच्छी लगती हैं और मेरी तरह कपड़े ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने अपनी जो गंदी मानसिकता थी उसको वहाँ पर दर्शाया। तो हम ये चाहती हैं कि भारत की हर महिला का सम्मान है, तो भारत सरकार ये भी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन में चला रही है और कहती भी है, तो कौन से मतलब कौन सी बेटी के लिए ये चीज़ बोलती है, जब भरी सभा में हजारों की संख्या में शासन प्रशासन भी था वहाँ पे, सबके सामने खुले मन से एक व्यक्ति बाबा संत जो अपने आप को कहता है इस चीज़ को बोल रहा था कि बेटियाँ बिना कपड़ों के, यानी कि मैं खुले शब्दों में कहूँ तो नंगी भी अच्छी लगती हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? तभी क्यों नहीं शासन प्रशासन द्वारा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी गई है? तो हम यहाँ पर आज सरकार के लिए राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हुए कि वो उस पर संविधान के तहत जो भी कार्रवाई बनती है इस टिप्पणी को लेकर के उस पर कार्रवाई करी जाए और सभी भारत की सभी महिलाओं से वो
माफ़ी मांगे और उसके जो प्रोडक्ट हैं उन पर भी बैन लगाएं, पूर्ण रूप से बैन लगाएं सर। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या होगा, क्या करेंगे, किस तरह का आंदोलन होगा आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, अभी यहाँ अभी देख रहे कम संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ सभी वर्ग से महिलाएं उपस्थित हैं हमारे यहाँ अभी इस टाइम पर, और आने वाले समय में अगर उनके उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ये पूरा समाज, सभी समाज की महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी और उसका बहिष्कार करेंगी, और मतलब बहुत बड़ा आंदोलन की हम चेतावनी देते हैं, तो इस पर जो है थोड़ा ध्यान दिया जाए, हम सरकार से यही अपील करते हैं कि उन पर कार्रवाई करी जाए। आपके संगठन की तरफ से ऐसे लोगों किस तरह की सजा होनी चाहिए? जी मैं ऐसे लोगों पर अपने संगठन के माध्यम से, समता सैनिक दल के माध्यम से मैं ये मांग रखना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को समाज बिल्कुल भी सम्मान न दिया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए, और जैसे बाबा राम रहीम और भी बाबा जेल में सड़ रहे हैं, इनको भी जो है रास को लगाया जाए और इनको भी जेल के अंदर सड़ाया जाए, क्योंकि आज तो इन्होंने बोला है हो सकता है आने वाले समय में ये महिलाओं को और भी ज़्यादा उत्पीड़न करना शुरू कर दें, तो उससे पहले ही चेतना जाग जानी चाहिए समाज के लोगों की, प्रशासन की भी, ऐसे लोगों पर तुरंत ही बैन लगाना। राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार दिल्ली विषय स्वामी रामदेव द्वारा महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी के संबंध में 5 सूत्रीय ज्ञापन समता सैनिक दल अलीगढ़ द्वारा अलीगढ़ जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से राज्य उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पढ़ने विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों के अपडेट आपको मिलती रहे।